आ गई भिख मंगी मुंबई में। अरे क्यों आई कंगना मुंबई में? मुंबई आतंकवादियों का शहर है, पीओके हैं, तो यहां भीख मांगने क्यों आ गई? तू रहती वहां जहां थी, यहां क्यों आ गई? क्या जरूरत है? यहां तो हम सब बॉलीवुड में, हम तो सब पीओके वालों है, हम आतंकवादी है, यहां पे क्यों भीख मंगी आ गई है? तो बॉलीवुड को बहुत गालियां दे रही थी, ड्रग एडिक्ट है यहां पर, सलमान खान बुरा है, ऋतिक रोशन बुरा है, आदित्य पंचोली बुरा है, करण जौहर बुला बुरा है, फराह खान बुरी है, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुरे हैं, तू अच्छी है। तेरे में लगा है कोहिनूर हीरा, तू बहुत अच्छी है। तेरे में बड़े बड़े ये बड़े बड़े कोहिनूर अंदर से ऐसे हीरे लगे हुए है, तू अमेजिंग है। पूरे बॉलीवुड को कहती हूं कि इस कंगना को बॉयकॉट करो आप लोग, बस अपने हिमाचल वाले घर में बैठकर, वो भी बॉलीवुड से पैसों से कमाया था। उधर तो पहले तो ये लोग फटीचर थे, पहले तो ये लोग भिख मंगे फटीचर थे, यहां से पैसा कमाया हमारे बॉलीवुड से, महाराष्ट्र मुंबई से पैसे कमाया हमारा, और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने इसको चांस दिया, पैसा कमाया, वहां पे घर बनाया, वहां से बैठ के धमकियां दी, बॉलीवुड ये, बॉलीवुड गंदा, बॉलीवुड ये। अरे ओ नार्को टेस्ट वालों, ये कंगना का ब्लड चेकअप करो, 99.1% इसके अंदर आपको धातु मिलेंगे, इसके उसके 99.1% सबसे बड़े गर्दुली चरसुली तो यही है। खुद भी कहिए कि मैं तो बहुत लेती थी, बहुत लेती थी। बॉलीवुड में आई है तू वापस, कौन से बड़े बड़े शो में जाएगी तू? सलमान से लेकर, शाहरुख से लेकर, करण जौहर से लेकर, सबको बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर टेलीविजन इंडस्ट्री सबको ये गालियां दे चुकी है, कैसे सामना करेगी सबका? यहां पर इतनी गंदगी है तो गू चाटने कैसे आ गई तू यहां? अगर यहां ऐसे जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं इसके ऑफिस में घुसो, ये प्रोडक्शन हाउस बनाती है ना बॉलीवुड में, अगर काम नहीं है ना, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है ना, नेपोटिज्म चलता है ना, अब इसके ऑफिस में घुसो, इससे काम मांगो। जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं इसके ऑफिस में घुसो, ये तुम्हारे लिए पिक्चर बनाएगी, इससे काम मांगो। अब ये बॉलीवुड में किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप लोग को काम नहीं मिलेगा, अब इसके ऑफिस में घुसो, यही आपको काम देगी, कंगना ही आपको काम देगी। ठीक कंगना जी, महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे जी और मेरे भाई करण जौहर, बॉलीवुड की शान बान आन, जो ऐसे फिल्में बनाते हैं सबके तोते उड़ जाते हैं। नंबर वन डायरेक्टर, नंबर वन ह्यूमन बीइंग, नंबर वन अच्छा इंसान करण जौहर, इनको आपने कटघरे में खड़ा किया है, तो उसी कटघरे में आप भी खड़ी है मैडम। बॉलीवुड में अपनी करतूतें दुनिया को बताया आपने, क्या क्या करा है, बड़े बड़े स्टारों के पास गए, तुम उन्हीं के बारे में बुराई करती हो, जिन लोगों ने तुम्हें धुतकारा है उनके पास, तुम खुद वहां पर उनके पास गई, जब तुम्हें, तुम लोमड़ी हो, जब तुम्हें अंगूर नहीं मिला तो तुम्हें अंगूर खट्टे लगते हैं, इसीलिए तुम अब अपनी प्रोड्यूसरों को जमा कर करके, भगवान जाने क्या कर करके अपनी फिल्में बनाने लग गई, समझ गई? हम भी हमारी फिल्में बनाते हैं, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस है, पांच पांच फिल्में बनाई है मैंने भी, गरीब लोगों, और इसको उन्हीं लोग साथ देते हैं जो बॉलीवुड में कुछ बन नहीं पाए, आए थे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने, कुछ और बन गए। यहां पे प्रियंका चोपड़ा, नवाजुद्दीन, राखी सावंत, ऐसे हजारों करोड़ों छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं इंसान जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार बन गए। इविन तू दोगली सब बन गए हैं, सब बन गए हैं, समझ गए? तो बॉलीवुड को कभी गाली मत देना। और दुनिया वालों, तुम जो इसका सपोर्ट कर रहे हो ना, कल तुम इसी को गाली दोगे, लिख के रख लो कि कंगना तेरी ले लेगी तू, लिख के ले ले के कंगना तुम्हारी ले लेगी तू, लिख के ले ले। एक न दिन, एक दिन असली चेहरा बाहर जरूर आएगा। आज हमारे